हेलो, गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। और आज के लिए जो अपना नया फैक्ट लेके आया हूँ वो फैक्ट रहेगा, जो आपके सामने हेडिंग लगी हुई है, क्या है कि डबल रोटी जो है वो कैसे बनती है। ठीक है, आज अपने देखेंगे कि डबल रोटी जो, हाँ वही डबल रोटी जो अपने चाय में डुबो कर खाते हैं, ठीक है, उसी डबल रोटी के अंदर बात करेंगे कि वो डबल रोटी जो है वो कैसे बनती है। और एग्जाम के अंदर उससे क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, और वो क्वेश्चन पूछा गया है किस प्रकार से क्वेश्चन उठता है इसका। तो आते हैं सीधा फैक्ट की ओर कि किस प्रकार से बनती है ये डबल रोटी जो आपने बड़े ही चाव से खाई है, और आज आपको क्या करेंगे, हम डबल रोटी खिलाएंगे। ठीक है, बात करते हैं डबल रोटी की। डबल रोटी जो होती है, डबल रोटी जो होती है वो सीधा मैदा या आटे की बनती है, लेकिन डबल रोटी के अंदर जो मेन रोल होता है वो किसका होता है, एक कवक आती है, एक कवक आती है जिसका नाम क्या है, ईस्ट है। एक कवक है जिसका नाम क्या है, ईस्ट। ईस्ट कवक जो होती है इसकी बहुत सारी प्रजातियां हैं, ईस्ट कवक जो होती है उसकी बहुत सारी प्रजातियां हैं, लेकिन इस ईस्ट कवक के अंदर भी एक प्रजाति है जिसको बोलते हैं स्केरोमाइसिस सेरेवेसी। स्केरोमाइसिस सेरेवेसी, इसको क्या बोलते हैं, स्केरोमाइसिस सेरेवेसी करके एक कवक है। और कवक भी कौन सी है, ये यीस्ट कवक है। कवक भी ये कौन सी है, यीस्ट कवक है। यानी यीस्ट कवक के बहुत सारे प्रकार हैं, उसका भी एक टाइप है कौन सा, स्केरोमाइसिस सेरेवेसी, जो क्या करती है, जो एक प्रकार से किण्वन करती है। जैसे मान लो आपने ब्रेड बनाने के लिए आटा लगाया, उस आटे के अंदर आप क्या मिक्स कर दो, यीस्ट को मिक्स कर दो, और यीस्ट भी कौन सी, स्केरोमाइसिस सेरेवेसी। अब स्केरोमाइसिस सेरेवेसी जो होती है इसके अंदर कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जो होती है थोड़ी फास्ट होती है, और दूसरी बात ये क्या करती है, किण्वन थोड़ा फास्ट तरीके से करती है। जब मान लो मिलाया हुआ आटे के अंदर स्केरोमाइसिस सेरेवेसी आपने डाल दिया, ठीक है, यानी कवक डाल दी, तो ये कवक क्या करेगी, किण्वन की प्रक्रिया स्टार्ट कर देगी। बहुत ही तेजी से किण्वन की प्रक्रिया स्टार्ट करेगी, तो उस आटे के अंदर ये क्या निर्माण कर देगी, CO2 का निर्माण कर देगी। तो किण्वन की प्रक्रिया एक प्रकार से होती है, उसको वहाँ पे क्या बनती है, CO2 गैस बनती है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। इस गैस को क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है जैसे ही आटे में से स्पीड से बाहर निकलेगी तो आटे को क्या कर देगी, छलनी कर देगी, या आटे को थुलथला कर देगी, मोटा कर देगी, या गुद्दीदार बना देगी आटे को। जिस प्रकार से ब्रेड खाते हैं, ब्रेड कैसी होती है, गुद्दीदार होती है ना, मुलायम स्पंज की तरह, तो आटे को स्पंजी बना देगी। आप लोगों ने कभी सोचा है कि ब्रेड के अंदर जो छेद होते हैं, या ब्रेड इतनी मुलायम मुलायम स्पंजी टाइप होती है, वो किस क्यों होती है, ऐसा क्यों, क्योंकि स्केरोमाइसिस सेरेवेसी को आटे के अंदर मिलाया जाता है, और स्केरोमाइसिस सेरेवेसी क्या करती है, वहाँ पे CO2 का निर्माण कर देती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर देती है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जब आटे में से बाहर निकलेगी, अरे गैस है, अब गैस आटे में से बाहर निकलेगी तो क्या करेगी, वहाँ से उसको छेद युक्त बना देगी, उसको क्या कर देगी, आटे को थुलथुला या स्पंज टाइप कर देगी, और बाद में इसको काट के क्या कर दिया जाता है, इसकी पैकिंग कर दी जाती है। तो स्केरोमाइसिस सेरेवेसी को क्या बोलते हैं, ब्रेड कवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ब्रेड कवक बोलते हैं, या ब्रेड ईस्ट बोल सकते हैं, ब्रेड कवक या ब्रेड ईस्ट बोल सकते हैं, किसको, स्केरोमाइसिस सेरेवेसी को। बहुत ही अच्छा एग्जाम में, कंपटीशन एग्जामों में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी ब्रेड कवक के नाम से जानी जाती है, तो स्केरोमाइसिस सेरेवेसी। स्केरोमाइसिस निम्न में से कौन सी कवक जो है वो ब्रेड बनाने के काम में आती है, तो ईस्ट कवक आती है, और ईस्ट कवक ऑप्शन में नहीं होगा तो ईस्ट का एक प्रकार होगा स्केरोमाइसिस सेरेवेसी। तो आई होप सो आपको पता चल गया होगा कि ब्रेड जो होती है वो कैसे बनती है। ठीक है, तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और लाइक कर दो, और सबको बता दो कि ब्रेड जो है वो कैसे बनती है। तो आज का फैक्ट जो है वो क्लियर हो गया। थैंक यू भी सभी स्टूडेंट को।